जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं लेंस नायक पार्किन दासगुप्ता, इंडियन आर्मी सिग्नल कोर में पिछले 12 साल से सेवा दे रहा हूँ, और मैं अपने देश के विभिन्न क्षेत्र में, काफ़ी से क्षेत्रों में के सीमा में मैंने अपना सेवा दे चुका हूँ और दे भी रहा हूँ। मैं जम्मू कश्मीर में जब उरी अटैक हुआ था, उस टाइम पाकिस्तान पालमवाला बॉर्डर अखनूर सेक्टर में ड्यूटी में तैनात था। उसके बाद नगरोटा अटैक जब हुआ, तभी भी मैं 10 इन्फेंट्री सिग्नल रेजिमेंट में अखनूर सेक्टर में ड्यूटी पे तैनात था। हम दुश्मनों से काफ़ी लड़े, और कभी भी हम एक सोल्जर्स कभी अपने माँ भारती पे आँख उठाने कभी नहीं दिए। हमारा ट्रेनिंग हमें ये सिखाया जाता है कि देश को जब आपकी ज़रूरत पड़े तो एक सोल्जर कभी पीठ दिखा के आता नहीं है। तो हम फौजी कभी अपने माँ भारती के ऊपर कोई आँच आने नहीं देते हैं। आज बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है, मैं अभी छुट्टी में हूँ, और बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि मेरा घर पश्चिम बंगाल में है। मैं पश्चिम बंगाल के बारासात के और बारासात पुलिस स्टेशन है यहाँ पे, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ बारासात। और मैं अभी छुट्टी में हूँ, पिछले 7-8 दिन हो गया मैं छुट्टी में हूँ। मेरे परिवार में मेरे माँ हैं, मेरे पिताजी है, मेरा वाइफ है, बच्ची है, भैया है। आज वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि 2 तारीख को बंगाल में विधानसभा के चुनाव का परिणाम आ चुका है। हमें सबको पता है कि तृणमूल कांग्रेस ने 200 से अधिक सीट मिल पाके पूरे जनता का प्यार मिलके उन्होंने आज शपथ लिया, हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री बने, और हम उनको बधाई देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और हर चीज़ एक गेम की तरह है कि हाँ, पॉलिटिक्स भी एक गेम है, कि खेलने खेलने का गेम जो यहाँ पे चल रहा है। तो खेल कूद में हार जीत, हर चीज में हार जीत चलता रहता है, लेकिन जब खेल के मैदान में हो, तब हम एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। और जब खेल जब खत्म हो जाता है, हम भारतीय, चाहे भारतीय हो चाहे पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, खेल के मैदान के बाहर हम एक दूसरे का दोस्त होते हैं। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई पॉलिटिकल मेरे बात करने का इशू है। मेरे जो माताजी है, मेरी जो मम्मी श्यामोली दासगुप्ता, मेरी मम्मी श्रीमती श्यामोली दासगुप्ता, अब ये हिंदुस्तान ऐसा देश है, इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देते हैं कि आप कोई सा भी पार्टी को, कोई भी राजनीतिक दल को आप सपोर्ट कर सकते हो। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है, और इस अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। आज मुझे ममता बनर्जी का अगर आदर्श पसंद हो तो मैं उनके आदर्श पे चलूंगा, अगर मुझे मोदी जी का आदर्श पसंद हो तो मैं उनके उनके आदर्श पे चलूंगा, अगर मुझे अखिलेश यादव जी का आदर्श पसंद हो तो मैं उनके हिसाब से चलूंगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अधिकार देता है, ये अधिकार देती है कि हम कोई सा भी पार्टी को पसंद कर सकते हैं और उनके प्रचार में जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई पार्टी कर रहे हो और आपके पार्टी हार जाए तो फिर जो जो पार्टी आया है सत्ता पे, जो पार्टी आया है, वो उसके कार्यकर्ता के, जो हार गए उनके कार्यकर्ता के ऊपर, ऐसा वो मत कीजिए। उसके
कार्य कर सॉरी बीच में मेरा एक फोन आ गया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अधिकार देता है कि हम कोई भी राजनीतिक दल को छू सकते हैं, उनके राह पे चल सकते हैं, भले ही वो रूलिंग हो भले ही वो अपोजिशन हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरी मदर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थी और है भी। तो जब ये रिजल्ट फाइनल हुआ, मेरा घर है पश्चिम बंगाल के, आपको पहले ही बता चुका हूँ, 127 डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में 127 में मेरा घर है। तो मेरे घर के नीचे एक बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा पार्टी ऑफिस भी था। तो जब चुनाव का रिजल्ट आया, उसके एक दिन बाद, मैं असली मुद्दे पे आ रहा हूँ, उसके एक दिन बाद अचानक सुबह 10 बजे, 3 तारीख को सुबह 10 बजे, उस पार्टी ऑफिस के अंदर टीएमसी के कुछ गुंडों ने आके तुरंत 10 मिनट, 5 मिनट के अंदर लॉक किया हुआ पूरा दरवाजा तोड़ के, उसके अंदर तोड़ फोड़ के टीवी, बाइक, मेरा खुद का बाइक था, मेरा स्कूटी, मेरा और एक बाइक, और दुकान में जो भी फोटोज वगैरह जो भी थे, सब तोड़ फोड़ के एकदम तहच नहच करके चले गए। मैं जब तक उनको पकड़ सकूं तब तक वो तहच नहच करके तहलका मचा के भाग गया। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये होता हो सकता है, ऐसा कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चलो ठीक है, पार्टी ऑफिस है, ये हो गया। हाँ, उनको पसंद नहीं है कि हमारे सत्ता पे दूसरा कोई पार्टी रहे, ये सब चाहते हैं। मैं कोई पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, मेरी मदर है, मैं फौजी हूं, फिर भी एक बार बोल रहा हूं। उसके बाद 3 तारीख को उन्हें, उसके बाद मैं पुलिस को इन्फॉर्म किया, तुरंत पुलिस आई 127 स्टेशन के, पुलिस स्टेशन के पुलिस आई, रेस्क्यू किया, नाम नोट किया, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ सब कुछ नोट किया, फिर वो चले गए। उसके बाद मैं शाम को गया पुलिस स्टेशन में, उन्होंने बोला कि ये दाखिला करवाइए, एफआईआर दर्ज करवाइए, हमने एफआईआर करके आ गया 8 बजे तक। उसके बाद रात को 9 बजे, उसके बाद 3 तारीख रात को 9 बजे अचानक से टीएमसी के कम से कम 20 से 25-30 मुझे आई हैव नो आइडिया, बहुत सारे लोग आए, इकट्ठा होते रहे हमारे घर के सामने। और हम जहां पे रहते हैं, यहाँ के लोग बड़े बड़े शांत लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा इलाका है, हमारे जो नेबर्स है, हमारे जो पड़ोसी है, जो भी है हम आसपास में, बड़े शांत और बड़े बहुत अच्छे लोग हैं, इनको वायलेंस कभी पसंद नहीं है, किसी भी घर में नहीं है। अचानक टीएमसी के लोग इकट्ठा होते रहे, तब मुझे शक हो गया कि कुछ होने वाला है। फिर मैं थाने पे रिंग कर दिया कि सर मैं आर्मी से बोल रहा हूँ, फौजी बोल रहा हूँ, मेरे घर में सुबह जो हुआ था, हो सकता है फिर दोबारा हो जाए, ऐसे ऐसे लोग इकट्ठा हो रहा है। तो पुलिस वालों ने मुझे जवाब में ये दिया कि हम आ रहे हैं, उन्होंने मुझे बोला कि हम आ रहे हैं, लेकिन 1 घंटे तक मैं फोन करता रहा, मैं कानून अपने हाथ में नहीं लिया और ना लेना चाहता हूं। 1 घंटे तक टीएमसी के जो भी कार्यकर्ता थे, मैं ये इनको टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं मानता हूं, मैं इनको एक्चुअली एक फौजी, इस टाइप के इंसान को, ये कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता है, इस टाइप के इंसान जो होते हैं ये एंटी सोशल होता है, ये कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता इस टाइप का काम नहीं करेगा। इन लोगों ने 1 घंटे तक, 1 से 1.5 घंटे तक हमारे घर में पत्थरबाजी करते रहे, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। मैं बिल्कुल चुप रहा, मुझे मेरे मदर को, मेरे परिवार को, मेरे वाइफ को, मेरे पूरे सदस्यों को बहुत बुरी तरीके से, इतने स्लैब लैंग्वेजेस यूज किए, मैं वो बोल नहीं सकता हूं। ये सब करने के बाद पुलिस स्टेशन में मैं लगातार फोन करता रहा, और मैं वो वीडियो भी पोस्ट करूंगा जो ये लोग पत्थर मार रहे थे, मैं उतना अच्छे से नहीं पोस्ट कर पा रहा था, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से पत्थरबाजी हो रहा था मेरे घर में, और बम फेंकने के लिए ये लोग तैयार थे। इस टाइप से मतलब धमकियां दिया जा रहा है कि रेप करेगा। आज मुझे बहुत ही शर्म महसूस हो रहा है, बहुत ही शर्मिंदगी लग रहा है कि मैं एक फौजी जो देश के लिए हर जगह पे
हम तैनात रहते हैं आज इस पश्चिम बंगाल के इस सरकार के अंदर ऐसे गुंडे आ रहे हैं जो मुझे ये धमकियां दे रहा है कि मेरी बीबी, मेरी 5 साल की बच्ची, मेरी वाइफ, मेरी मदर, इनको रेप करेंगे, इनको रेप कर, ये लोग रेप करेगा मेरे सब और बाकी पूरा घर को अपने कब्जे में कर लेगा, इस टाइप से धमकी देके जा रहा है, देके गया है। उसके बाद मैं अपने यूनिट के तरफ से हेल्प मांगा, पुलिस वाले नहीं तो जा रहे थे, फिर आ रहे थे, फिर ये पत्थरबाजी चला था, फिर थोड़ा बहुत कम हुआ, लेकिन मैं फौज का सहारा नहीं लेना चाहता हूं। जरूरत पड़े तो फौज का मैं सहारा लूंगा, मैं इसीलिए बोल रहा हूं मैं फौज का सहारा नहीं लेना चाहता हूं। फौज मुझे रेस्क्यू करके यहां से निकाल लेगा, मेरे परिवार को बचा लेगा, लेकिन आज मुद्दा ये है, मैं फौजी हूं, मेरे परिवार को बचा के बचा लोगे आप, मुझे सिक्योरिटी दे दोगे, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो भी है, मैं कोई राजनीतिक रंग नहीं लगाना चाहता हूं। जो भी कार्यकर्ता आज, जो भी लोग, जो भी आम जनता जो भी है, इनके ऊपर जिस हिसाब से टॉर्चर हो रहा है, मैं उनके हित में बात कर रहा हूं। और सबसे पहली बात यह है कि मैं आज 3 दिन से घर से बाहर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे ये डर है, ये पैनिक फील हो रहा है कि अगर मैं बाहर गया तो मेरे परिवार के ऊपर टीएमसी के गुंडों ने हमला बोल देगा। अगर फौजी रहते हुए ही ये फौजी के घर में इस टाइप से बर्ताव हो रहा है, तो फौजी अगर यहां से हिल गया तो और भी कुछ कर सकता है। मैं बंगाली में भी बोल सकता था, मैं इसीलिए बंगाली में नहीं बोल रहा हूं, मेरा नेटिव लैंग्वेज बंगाली है, और मैं बंगाली में इसीलिए नहीं बोल रहा हूं कि क्योंकि मेरा ये आवाज है, ये जो, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे हिंदी जो हमारा राष्ट्रभाषा है, मैं इसीलिए, ताकि ये हर एक व्यक्ति के कान तक जाए, हिंदुस्तान के हर कोने कोने तक ये कान में जाए कि बंगाल में क्या चल रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहे हैं। चुनाव का रिजल्ट तो आ गया है, ममता बनर्जी अपना सत्ता पे, अपने गद्दी पे आ गई है, शपथ ले चुकी है, तो ये वायलेंस क्यों, क्यों परिवार के औरत लोग कोई भी अपना सिक्योरिटी क्यों नहीं महसूस कर रहा है। लोग डर रहे हैं, आम आम लोग डर रहे हैं, आम लोग डर रहे हैं, दुकान नहीं खोल पा रहे हैं, चाहे वो टीएमसी का हो, चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी ना, कोई भी बिना दल के कोई भी हो, कि अभी यहां पे तांडव होने वाला है, कुछ भी हो जाएगा, दुकान लूट रहा है, गैंगरेप हो रहा है। और ये मैं खबर देख के नहीं बोल रहा हूं, आंखों देखा हाल बोल रहा हूं मैं। नाउ आई मीन कैलकाटा 12 साल, तो मैं मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और अपना जनरल साहब एमएम नरवाने साहब को मैं ये वार्ता देना चाहता हूं। मैं जो छुट्टी में हूं, छुट्टी में बढ़ाऊंगा, और उसके बाद भी छुट्टी ना बढ़े, मैं जब तक अपने परिवार को सेफ महसूस नहीं करूंगा, तब तक मैं ड्यूटी ज्वाइंट नहीं करूंगा। भले ही मेरा सर्विस चली जाए, जब तक मैं अपने परिवार को सेफ महसूस नहीं करूंगा कि हाँ मेरा परिवार को मैं छोड़ के अपने सीमा पे मैं रक्षा के लिए जा रहा हूं, तब तक मैं ड्यूटी में नहीं जाऊंगा, भले ही मेरा सर्विस, मैं डिस्चार्ज हो जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हम फौजी अगर देश के सीमा को रक्षा करने के लिए अपने जान कुर्बान कर सकते हैं, तो ये मेरा परिवार है, मैं अपने माँ बाप, अपने परिवार को बचाने के लिए मैं अपना जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। और मैं उन गुंडों से अभी भी धमकी दे रहा हूं, अगर कुछ भी, कोई सा भी कुछ भी करने की कोशिश किया, तो मैं घर में हूं, अगर घर वालों के ऊपर कुछ भी हो जाता है, तो मैं अभी हथियार उठाने पे मैं किसी भी तरीके से अपने परिवार को रक्षा, परिवार की रक्षा करूंगा, भले पुलिस प्रशासन इसका हेल्प कर पाए ना कर पाए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ पे ना उठाऊं, अगर उठाना पड़े तो फिर वो मैं अपने आत्मरक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने माँ भारती के रक्षा के लिए, अपने
परिवार की रक्षा करने के लिए मैं इस टाइप से कोई कोई कदम उठाऊंगा, क्योंकि बंगाल में अभी डिफेंस करने का कोई जगह नहीं बचा है। यहाँ पे कोई किसी का बात नहीं सुन रहा है। यहाँ पे लोग, यहाँ पे जो एंटी सोशल है, जो ये टीएमसी के कार्यकर्ता, जो भी है, जो भी है, ये लोग इंसानियत भूल गए हैं। कुछ भी करने के लिए उतर आए, अगर ये कुछ करने के लिए उतर आए, तो मैं अपने परिवार के रक्षा के लिए, एक फौजी जैसे सीमा पे रहता है, मैं अपने परिवार के रक्षा के लिए मैं अपने घर में ही रहूंगा, परिवार को रक्षा दूंगा। ओके, मैं यहां तक बोल के अपना जो वक्तव्य था, जो बोलना था, मैं बता दिया। प्लीज मेरा ये जो वीडियो है शेयर करें, और मुझे कोई पॉपुलैरिटी के लिए शेयरिंग नहीं चाहिए, जो एक्चुअल ग्राउंड की हकीकत है, जो ग्राउंड में हो रहा है, मैं वही बताया। तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि इस वीडियो को कोई राजनीतिक रंग ना लगाए, और मैं ये गुहार लगाता हूं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप दोनों ने इसके पहले हमारे भारत में, हमारे बंगाल में, जब भी कभी भी कोई सा भी प्रॉब्लम आया है, अम्फन आया, तब भी दीदी हमारी सत्ता पे थी और मोदी जी प्रधानमंत्री थे, दोनों मिलके कोरोना के साथ लड़े। उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव में एक दूसरे के विपक्ष में थे, लेकिन हमें कोरोना के तरह और अम्फान की तरह, जैसे हम दोनों दोनों राजनेता को हम साथ मिलके काम करते हुए देखे थे, आज बंगाल के आम जनता ये चाहते हैं, इस देश में जो वायलेंस हो रहा है, प्लीज दीदी और ममता अपना मोदी जी, प्लीज प्लीज प्रधानमंत्री जी, आप दोनों सरकार मिलके इस वायलेंस को कम करें। नहीं तो अभी जो सिचुएशन बंगाल में चल रहा है, आप लोगों को वोट देने के लिए और कोई नहीं बचेगा, यहाँ पे बचेगा तो अराजकता बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा। बंगाल को बचाइए, दोनों आप दोनों सरकार से यही निवेदन है, प्लीज बंगाल को बचाइए, इस वायलेंस को कम कीजिए, और हमको, हमें, हमारे परिवार को, सारे बंगाल के वासियों को इस टाइम से आप लोग मुक्ति दीजिए। ये बोल के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं, कोई गलती हो तो माफ कर देना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।